ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा इतना अच्छा, अगर कोई ब्राह्मणों में खटपट होती है तो हमें ब्राह्मणों से क्या लेना देना, बाबा तो अच्छा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं औरों से रूठो लेकिन मेरे से कभी भी नहीं रूठो। बाबा से रूठना अर्थात उसके पढ़ाई से रूठना, उसके श्रीमत से रूठना, यहां आना छोड़ देना मतलब भगवान से रूठ गए। इसलिए बाबा से कभी भी रूठो नहीं, अंत समय तक चलो। चलो अगर कोई समझो पत्नी कहना नहीं मानती, पति डाइवर्स नहीं देता, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़क बन गए। आजकल क्या करते हैं, अगर पति पत्नी कहना नहीं मानती तो पति दूसरी शादी करता है। जब दूसरी शादी करता है पहली पत्नी खाया पिया नहीं, वो देखता भी नहीं उसको, तो उसका क्या लाइफ है, पति का ना प्यार नहीं। तो इसी तरह अगर बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो बाबा सती की दुनिया बनाने का थोड़ी छोड़ेगा, आपके जगह पर आपके पद के जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उसे प्यार करेगा। आप भी ज्ञान में हैं लेकिन आपके तरफ से नजर हट गई। इसलिए कई भाई बहन क्या बोलते हैं, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, बाबा का प्यार मिलता था, लेकिन अभी पता नहीं बाबा प्यार ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी, आपके जगह पर किसी और को चॉइस किया। क्यों, आपने उसका कहना, वो रोज बोलता था आप डोंट केयर करते थे, तो उसके लिए दुनिया रचनी थोड़ी छोड़ेगा। इसलिए मेरे को डाइवर्स ना दे, मेरे जगह पर किसी और को चॉइस ना करें, इसलिए बाबा का कहना मानो, उसके श्रीमत प्रमाण चलो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए अपने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है।